स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम डराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला से रिलेटेड। जैसा कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से जो है वो फिजिकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं, और सेकेंडली हम उसके ज़रिए जो है वो फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, और जो कि हमारे पास मतलब कि अगर हमें रिलेशंस मालूम हो तो हम उसके ज़रिए फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एसेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर, से आर की पावर एन, एंड सम पावर ऑफ वी से वी की पावर एम डिटरमाइंस द पावर ऑफ आर एंड वी। हमने जो है पावर बतानी है कि एन और एम जो है उसकी क्या वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास आर और वी के ऊपर आ रही है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, यानी कि उसकी मोशन जो है वो एक सर्कुलर मोशन है, और उसको मैं पार्टिकल को एक फिरोजी कलर से, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक पार्टिकल हो गया है। अब हम जानते हैं कि सर्कल में जो है वो एक पॉइंट के अराउंड जो है वो बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो रेडियस है यानी कि सर्कमफ्रेंस से सेंटर ऑफ द सर्कल तक का जो रेडियस है वो हमारे पास आर से डिनोट किया गया, और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है जिसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं वो हमारे पास जो है ये मतलब कि ये जो v है ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी को शो करेगा। अब अगर हम डाटा देखें स्टूडेंट्स, डाटा, अच्छा डाटा में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है वो ये गिवन है कि हमारे पास एसेलरेशन है एक पार्टिकल की जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है रेडियस से, लेकिन आर की पावर एन यानी कि रेडियस की पावर एन से, और एक और चीज़ जिसे वो रिलेट है वो वेलोसिटी है और उसकी पावर जो है एम है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा अब ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स डाटा कंप्लीट हो जाता है यहाँ। अब इसको हम किस तरह से आगे प्रोसेस कैसे करेंगे, इस सॉल्यूशन हम इसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें फिजिक्स में, यानी कि अगर हमें ये पता है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर की पावर एन है, और सेकेंडली वो जो है वो वी की पावर एम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को जो है वो मैं इक्वालिटी में कैसे चेंज कर सकती हूँ कि अगर मैं उसके साथ एक कॉन्स्टेंट को जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉन्स्टेंट आर एन इंटू वी एम, यानी कि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से तब्दील कर दिया है। अब अगर हम देखें कि अगर मैं डायमेंशंस निकालूँ तो मुझे किस तरह से निकालनी है, कि सबसे पहले मुझे ए की डायमेंशंस लिखनी है, फिर मुझे कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और आर आर की डायमेंशंस लिखनी है और उसकी पावर जो है वो हमारे पास एम है, और फिर मुझे वी की डायमेंशंस लिखनी है और उसकी पावर हमारे पास एम है। अब हम वन बाय वन इनकी वैल्यूज को इनपुट करेंगे। एसेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होते हैं, तो टाइम और टाइम जो है वो टाइम स्क्वेयर बन जाएगा। तो हमारे पास की डायमेंशन जो है वो क्या होते हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन जो एल है, और टी की डायमेंशन जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगा, यानी कि टी की पावर -2, क्योंकि हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं टी की पावर 2 है, तो 1/t की पावर 2 है, तो हमारे पास -2 आ गया। तो ये मैंने इसकी डायमेंशन को इंक्लूज कर दिया है। कॉन्स्टेंट मेरे पास एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, उसको मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेती हूँ, और आर जो है क्योंकि हमारे पास रेडियस है और रेडियस जो है उसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास लेंथ होती है, तो लेंथ की डायमेंशन हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ इसकी पावर जो है वो एन है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी अगेन हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम के लिए टी की पावर -1 और होल की पावर एम। सही, अच्छा अब ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स यहाँ लिख ली। अब इसको मज़ीद भी हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, किस तरह से, अगर आप देखें कि एल टी की पावर -2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, और फिर साथ हमारे पास क्या है एल की पार। अब आप देखें कि हम जानते हैं मैथ्स में हमारे पास एक रूल है कि हमारे पास बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। ये हमारे पास बेस है, ये पावर है, तो अगर बेस एल एल है तो हमारे पास उनकी पावर्स ऐड अप होकर क्या बनाएंगी, एन प्लस एम, ठीक है, और टी की पार हमारे पास क्या आ जाएगा, -m। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इसको हमने बहुत बेहतर और जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसको नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो जो हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर्स को लिखेंगे। यानी कि अगर आप देखें कि यहाँ हमारे पास एल की जो पावर है वो हमारे पास 1 है, यानी कि अगर मैंने कोई पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या है, 1 है,
और वन पावर है, तो मैं इसको जब अगर डायमेंशनली डायमेंशंस जब इसकी कंपेयर करूँगी, यानी कि मैं क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करूँगी, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर जैसा यहाँ से इसको एक स्टेप और कर लेते हैं कि एल जो है वो एल के साथ रिलेट करेगा और यहाँ उसकी पावर जो है वो क्या है एन प्लस एम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम डायमेंशन हैं उनको हम इस तरह से कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और दूसरी हमारे पास क्या है टी की पावर -2 है, ठीक है, उसको भी हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड का जो कि हमारे पास टी की पावर -m आ रही है, सही। अब अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ जो है इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेट कर सकते हैं पावर्स को बोथ साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पे पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ देखिए हमारे पास पावर क्या है, वन है पावर, तो वन पावर जो है वो वन और इज इक्वल टू पावर जो है दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है एन प्लस एम। एक इक्वेशन ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे, -2 इज इक्वल टू -m, यानी कि इस जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी पावर जो है उसको हमने कंपेयर कर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब यहाँ से हम सिंपली जो है वो n और m की पावर्स जो है वो उनको डिडक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो माइनस माइनस जो है वो दोनों साइडों पे कैंसल अप हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाती है 2 आ जाती है। m इज इक्वल टू 2 की वैल्यू जो है अगर हम इक्वेशन 1 में इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स के 1 इज इक्वल टू n प्लस m की जगह हम क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, और यहाँ से जो है सिंपली हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 1 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -1, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू -1। तो n और m की वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ से डिडक्ट कर ली है। अब अगर ये यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगर हम इसका पॉसिबल फॉर्मूला भी देख लें अपनी नॉलेज के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें अगर हम वैल्यूज इनपुट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं और इस साइड पे ही आपको दिखा दूं इसका रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई पे हमारे पास आर की एन की पावर हमारे पास क्या आई थी स्टूडेंट्स एन की पावर आई थी हमारे पास 2, ठीक है, और एम की पावर आई थी हमारे पास -1, ठीक है एन की पावर आई थी हमारे पास आर और एन की पावर आई थी हमारे पास -1 और एम की पावर आई थी हमारे पास 2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इससे हमने फॉर्मूला भी निकाल दिया, यानी कि ए का रिलेशन निकाल दिया वी और आर के साथ, जो कि हमारे पास आ रहा है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी हमारे पास सर्कल सर्कल में मूव कर रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगी ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर।